शनिवार को भोपाल के कलेक्टोरेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा हुजूम उमड़ पड़ा। मौका था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नामांकन का। ये कार्यकर्ता और समर्थक नामांकन के दौरान भीड़ न लगाने की दिग्विजय सिंह की अपील के बावजूद पहुंचे थे। समर्थकों के इस हुजूम के बीच दिग्विजय सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा, जिसमें करीब 40 मिनट का समय लगा। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे। नामांकन भरने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो कितना हुजूम है जो कार्यकर्ताओं का, वो आगे पीछे चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए है और अब वो बाहर निकल रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद दिग्विजय सिंह प्रेस से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में फर्जी वोटरों का मुद्दा भी उठाया। विधानसभा के चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने 36 लाख फर्जी वोटर कैंसिल किए, 36 लाख, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने फर्जी वोटर भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने और बीएलओस ने फर्जी वोटर रजिस्टर कराए थे। दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने की वजह से भोपाल का ये लोकसभा चुनाव बेहद अहम हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। हमारा पूरा प्रचार, हमारी पूरी कैंपेन एक सकारात्मक कैंपेन रहेगी भोपाल के विकास के। भोपाल के मतदाताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन भोपाल का विकास करेगा, कौन भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखेगा। नामांकन से पहले दिग्विजय सिंह झरनेश्वर मंदिर भी गए, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और शंकराचार्य से आशीर्वाद भी लिया। कौशल किशोर चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस।